सब्सक्राइब कीजिए WWE न्यूज हिंदी चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और WWE की अपडेट्स पाएं सबसे पहले। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मंडे नाइट रॉ की। ये रॉ सर्वाइवर सीरीज से पहले की रॉ का अंतिम एपिसोड था। दोस्तों ये कोई रिजल्ट्स की वीडियो नहीं है, इसमें हम बात करेंगे कि इस रॉ में क्या खास था। रोमन रेंस ने कई हफ्तों के बाद रॉ में वापसी की और ऐलान किया कि उनकी टीम सर्वाइवर सीरीज का हिस्सा होगी और उन्होंने न्यू डे को चैलेंज किया। इस रॉ को वापसी के लिए याद रखा जाएगा। रोमन रेंस, ट्रिपल एच और ब्रॉक लेसनर ने रॉ में वापसी की। द शील्ड ने करीब 3.5 साल बाद में साथ में आकर सिक्स मैन टैग टीम मैच जीता। मेन इवेंट मैच में केन का सामना ब्रॉन स्ट्रोमन से हुआ। मैच के आखिर में ब्रॉन स्ट्रोमन ने केन को रनिंग पावर स्लैम दिया और रिंग में गड्ढा हो गया और इसी के साथ रॉ का अंत हो गया था। इस रॉ की शुरुआत होती है रॉ की कमिश्नर स्टेफनी मैकमैन के सेगमेंट से। बाद में कर्ट एंगल और स्टेफनी के बीच कहासुनी देखने को मिली। इस रॉ में टीम रॉ के 5वें सदस्य जेसन जॉर्डन को ट्रिपल एच ने रिप्लेस किया। ट्रिपल एच ने शानदार वापसी करते हुए जेसन जॉर्डन पर अटैक किया, क्योंकि जेसन जॉर्डन को ब्रे वाइट के खिलाफ मैच में चोट लगी थी, इसलिए उन्हें टीम रेड से बाहर कर दिया गया। अब टीम रॉ के 5वें सदस्य ट्रिपल एच होंगे। इसके अलावा ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का बेहतरीन सेगमेंट देखने को मिला, जिसमें उन्होंने एजे स्टाइल्स को सर्वाइवर सीरीज के लिए चेतावनी दी। ब्रॉक लेसनर भी काफ़ी समय बाद WWE में नजर आए। फिर द शील्ड का मैच मिज और दबार के साथ हुआ। शील्ड के रीयूनियन के बाद फैंस को शील्ड का पहला मैच देखने को मिला, जिसमें उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। केन और स्ट्रोमन के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। ब्रॉन ने केन को रनिंग पावर स्लैम दिया, जिससे रिंग में गड्ढा हो गया। फिर ब्रॉन स्ट्रोमन गड्ढे से बाहर निकलकर सिग्नेचर मूव करते हुए हाथ हवा में उठाए। तो दोस्तों इस तरह से ये रो वाकई में शानदार रही थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आपके हर सवाल का जवाब आपको मैसेज में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।